हेलो मुक्तिमा, मैं पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ। पोपट भाई, मैं सुभद्रा बोल रही हूँ। भाई मुक्तिमा को फोन दो, मुझे उनसे बात करनी है। पोपट भाई, आप ऐसे मुक्तिमा से बात नहीं कर सकते। अगर मुक्तिमा को कुछ लगेगा तो वो आपको खुद सामने से फोन करेंगी। वो जानता हूँ मैं। मैंने तो एक्चुअली इसलिए फोन किया था कि मेरा वो मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है ना। हाँ, आपने कार्ड तो दिया था ना। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कार्ड गुम जाता है, तो इसलिए मैंने अपने मोबाइल से आपको फोन किया। तो अब आप मेरा मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, ताकि फिर बाद में जब भी मुक्तिमा को मुझे फोन करना हो तो तब तकलीफ ना हो। अच्छा ठीक है, अब आप खुद फोन मत करना। मुक्तिमा को लगेगा तो खुद आपको सामने से फोन करेंगे, ठीक है? क्या हुआ पपन भाई, आपकी शादी नहीं होगी? नहीं नहीं, वो सुभद्रा ने ये कहा कि भाई मुक्तिमा को जब आत्मा सुनना होगी तो वो सामने से मुझे फोन करेगी। पता नहीं उनका फोन कब आएगा। उनका फोन आया ही नहीं था। नहीं नहीं पोपट भाई, आएगा आएगा, फोन आएगा। आप आशा रखिए, निराश मत होइए। हाँ पोपट अंकल, दादाजी हमेशा कहते हैं कि जो निराश होते हैं उन्हें तो किस्मत भी साथ नहीं देती। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं निराश नहीं हूँ, मैं आशावादी हूँ। आएगा आएगा फोन, आएगा आएगा आएगा। मजा आ गया। जबरदस्त खाने के बाद जरूरत होती है जबरदस्त नींद की, तभी अल मस्त होके सो जाता हूँ। पापा सोना मत। क्यों? ये पेड़ा देना तो भूल ही गई। अरे वाह, ला 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 ला। पोपट भाई लाए हैं। पोपट लाल? हाँ। क्यों? ओहो ला, मैं बात बताना तो भूल ही गई। वो मुक्ति माँ है ना। किसकी माँ? मुक्ति माँ, मुक्ति माँ। हाँ हाँ भाई, सुनाई दिया, समझ में भी आ गया। मुक्ति माँ। कौन है वो? हाँ बताती हूँ। क्या है कि हम लोग भीड़े बहन के घर गए थे, खलास खत्म। अभी पोपटलाल मुक्ति माँ को चैन से जीने नहीं देगा। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, मुक्ति माँ को फोन कर करके मुक्ति माँ की दुनिया हिलाता रहेगा। अच्छा टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, चलिए ना हम भी मुक्ति माँ से मिलने जाते हैं। अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, कल सुबह सोचेंगे। हाँ। अरे अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, मुक्ति माँ से आप आपकी कौन सी समस्या का समाधान करना चाहेंगे? यही कि जब मुझे बहुत नींद आ रही हो, तब मैं ऐसा क्या करूं कि दया मुझे चैन की नींद सोने दे। ना अरे भाई, अभी तूने ही बोला ना कि ऐसे पूछने पे वो तुरंत जवाब नहीं देती है, उनको ऐसे आत्मस्फूर्ण होती है तो सामने से बताती है। अरे पर मैं क्या कहती हूँ, हम उनको ऐसे ही पूछ कर रखेंगे ना तो वो बात उनके दिमाग में रहेगी, और उस बात की उनको कभी भी आत्मस्फूर्ण हो तो उस सवाल का आपको जवाब दे तो आपके जीवन में जो भी चिंता है वो दूर हो जाएगी ना। तो बताइए ना आप क्या पूछेंगे। वो हिसाब से तो मेरे जीवन में तो सिर्फ एक ही चिंता है, सुंदर। क्या मतलब? कब सुंदर की शादी होगी, कब वो अपने संसार में बिजी हो जाएगा। वाह टप्पू के पापा, आपको सुंदर हीरा की कितनी चिंता है। अरे बहुत। बस भगवान करे पोपट भाई के साथ साथ सुंदर हीरा को भी एक अच्छी सी लड़की मिले और दोनों की मस्त शादी हो जाए। दया, अभी पोपटलाल और सुंदर दोनों अपने अपने घर में चैन से सो रहे, अभी मुझे भी चैन से सोने दे प्लीज। अरे भाई अपनी जगह पे सो जा इधर। सॉरी। सो जा शांति से, आराम से सो जा। क्या हुआ, तू अभी यहाँ से गई? अपने कहने की यहाँ पे सो जा। अरे लेकिन यहाँ नीचे से भी जा सकती थी ना, नीचे क्या मगरमच्छ पड़े हैं जो मेरे पैर कुचल के गई। ओ ओ सॉरी, आपको लगा? सॉरी सॉरी। बस 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 भाई बस, अभी और कुछ मत कर, तभी तू सो जा शांति से और सोने दे। ओके गुड नाइट, आप भी सो जाइए। पहले तू सो, बाद में मैं सोता हूँ, तू सो जा पहले। बस। आ,
थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। मुक्तिमा, हेलो। हेलो, हाँ बोलिए मुक्तिमा। हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा 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 ऊंचा बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। हेलो 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 हेलो, हाँ बोलिए मुक्तिमा, आप सुनाई दे रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनिए, सावधान, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सुना आपने मैंने क्या कहा? क्या? आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हेलो हेलो, मेरा फोन गया काम से। हे भगवान, कहीं ये महासंकट शुरू होने की निशानी तो नहीं है? लगता है मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी आधी रात को मुक्ति माँ ने फोन करके मुझे आगाह किया। कहीं टेंशन के मारे मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। भगवान, संकट क्या आने वाला है, कहां से आने वाला है? मेरी शादी नहीं होगी, नौकरी चली जाएगी,